देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया, लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है अब। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं, यही देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा? चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है, और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे हैं, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते हैं और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़, और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका। और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते हैं और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह।
क्योंकि हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच में बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर, एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता, मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है, मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, ऐसे खुले ऑफर है मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है, पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है, बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूं।
घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं। तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार है। तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है। एक रास्ता भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी है। मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में। और करना क्या है, करना तो एक ही काम है, इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला आ रहा है। और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं, एक भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या का समाधान होगा नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं इस भारत के बारे में, अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूं। क्या सपने हैं? पहला सपना है गरीबी बेरोजगारी दोनों खत्म हो इस देश से, क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है, भगत सिंह का भी यही था, चंद्रशेखर का यही था, सुभाष चंद्र बोस का यही था। इन सारे क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है ना, तो अपने अपने समय में बहुत सारे लेख लिखे हैं, भाषण दिए हैं, उन भाषणों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आजकल, लेखों को इकट्ठा कर रहा हूं। कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखिरी उद्देश्य है। वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश्य है, आखिरी उद्देश्य है भारत की गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समृद्धि लानी है। सब क्रांतिकारी यही कहते हैं, उनका भी यही सपना है, हमारा भी यही सपना है कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर हो। अब इसको दूर करने के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से आएंगे? तो एक तो रास्ता है कि और ज्यादा टैक्स लगाओ, पैसे लाओ। ज्यादा टैक्स लगा के गरीबी ही आती है, समृद्धि नहीं आती। दुनिया में सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा कि जिस राज्य की प्रजा ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरती है, उस राज्य के लोग भिखारी हो जाते हैं। इसलिए टैक्स तो कम से कम ही होना चाहिए। तो ज्यादा टैक्स लगा के पैसे लाना, ये तो मूर्खता का काम है। तो फिर पैसे कहां से लाएं विकास करने के लिए? तो हमने लक्ष्य तय किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं, इसको वापस लाके विकास करना। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है, उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है, व्यक्तिगत संपत्ति, किसी नेता की, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें, तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती।
तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये वापस आएगा। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे पास हैं, एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था, यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था वो मैं भूला नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया है अभी 6 महीने पहले, ये जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना, इसकी तरफ से। और मुकदमा हमारा एक ही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया था तो चारा घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। और इस तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए तो 258 लाख करोड़ को राष्ट्र की संपत्ति वो घोषित कर सकता है, और ये घोषणा होते ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं फैसले को लेकर, और आईसीजे ऑर्डर करे तो दुनिया के 70 देशों की बैंकों को पैसा वो वापस करना पड़ेगा भारत को। इस उम्मीद में मुकदमा लगाया है हमने, 6 महीने हो गए, 6 महीने तक ये मुकदमा स्वीकार नहीं हुआ, बहस होती रही कोर्ट में, और अब स्वीकार हो गया है, कोर्ट ने तैयार मान लिया कि अब ये मुकदमा सुना जाएगा। 6 महीने लगे और कोर्ट ने अपने को कन्विंस करने के लिए सब तरफ से जानकारी मंगाई। हमने कहा, उतने पे विश्वास नहीं किया कोर्ट ने, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उन्होंने आके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए कि भारत का कितना ब्लैक मनी। फिर और एक संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उनका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, उनको बुलाया, उन्होंने दस्तावेज दिए। फिर भारत के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया कोर्ट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, पूछा कि आपको मालूम है विदेशी बैंकों में खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। फिर सीबीआई वालों को बुलाया। जब सब तरफ से कोर्ट कन्विंस हुआ तो कोर्ट ने मुकदमा स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को, और सरकार को पूछा है कि ये 258 लाख करोड़ किस किस का है, जल्दी से कोर्ट को बताया जाए। अब सरकार की हालत थोड़ी खराब है, क्योंकि जिनका पैसा है वही सरकार चला रहे, तो सरकार ने कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया है। ये टालम टोल वो थोड़े दिन करने वाले हैं, ये हमें मालूम है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं कभी भी। तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक दिन एक बात कहेंगे कि टालम टोल 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी? फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप तो एक्स पार्टी जजमेंट दे दो, और कोर्ट को ताकत है वो करने की। और हम कोर्ट को कहेंगे ये नहीं बता रहे किसका पैसा है, आप तो ये कह दो जिसका भी पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बात खत्म हो गई। और उम्मीद है कि कोर्ट ये फैसला देगा, और ये फैसला हुआ तो 258 लाख करोड़ वापस आएगा। दूसरा रास्ता है अपने पास, वो ये कि हम संसद में अगले 4 सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, और वो प्रस्ताव ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बस, किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं कहना। 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन बाहर गया है भारत से हवाला के थ्रू, क्योंकि सब हवाला से ही जाता है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, संसद प्रस्ताव को पास करे। अब इस प्रस्ताव को रखेगा तो कोई एक सांसद, और वो हमें मिल ही जाएगा अगले 4 साल में, कोई तो माई का लाल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए। और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तब बहस होगी, बहस वाले दिन हम देखेंगे
कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है खाते उसी के हैं, पैसा उसी का है, और सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद में। आप तो अपने सांसद पे नजर रखना बस कि आपका सांसद क्या कह रहा है। हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा टीवी पर बहस आएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है, आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है ईमानदार। अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा, गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए, तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में। और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा, और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, हमें कुछ खोना ही नहीं है, जो है पाना है। तो या तो बेईमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में और घूम घूम कर कहेंगे कि ऐसे हरामी और बेईमानों को दोबारा चुनकर मत भेजो जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते, जो देश को अमीर होने ही नहीं देना चाहते, जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश की। तो या तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी जंग, और वो आखिरी जंग होगी, या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कानून बन गया तो पैसा आ जाएगा 258 लाख करोड़। तीसरा और रास्ता है अपने पास, हम इस पूरे 258 लाख करोड़ का ब्यौरा लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और दुनिया के 70 देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगवा सकते हैं। अमेरिका ने अभी ऐसा किया, आपको मालूम है अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, वहां के भी लूटखोर नेता हैं, उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे। बराक ओबामा ने अभी एक झटके में वो सब ठीक किया है, उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में और वो कानून से पैसा ले आया, स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक ओबामा, और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा, और अमेरिका के 19,780 खाते बंद कराए उसने। तो ये बराक ओबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है, बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, भारत को एक बराक ओबामा की तलाश है, अगले 4-5 साल में मिलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। भारत माता वीर विहीन नहीं है, निपुती नहीं है, बांझ नहीं है, जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े बड़े लाल पैदा किए हैं देश की समस्याओं का समाधान करने, आगे भी होगा इसका विश्वास है हम, और ये काम हम बराक ओबामा की तरफ से भी कर सकते। बराक ओबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कही, हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका अभी मालूम है, मनमोहन सिंह अमेरिका गए, बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को ऑफर किया, देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लिए, आपको निकलवाने, ऐसे ही बोला उसने, आपको निकलवाने, मैं मदद करता हूं आपकी। तो मनमोहन सिंह की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, न हां कहा न ना कहा। फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूं सीरियसली इस काम में, और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से मैं वो बताना चाहता हूं, आप ऐसे निकालो। अमन मोहन सिंह चुपचाप लौट आए, क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है, बात ही नहीं करते वो। तो बराक ओबामा तैयार है, वो कहता है मैं मदद करूंगा भारत, क्यों? वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है, भारत महान देश है, ये वो बोलता है। और भारत की महानता जब वो गिनाता है ना तो सबसे पहले कहता भारत बजरंगबली का देश है, हनुमान जी का देश, और वो हनुमान जी का भगत है बराक ओबामा, उसने मंदिर बनाया मालूम है, आधा ईसाई आधा मुसलमान बराक ओबामा हनुमान जी की पूजा कर रहा। जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उसने बजरंगबली का मंदिर बनाया, जयपुर से मूर्ति मंगाई थी, स्थापित कराई, और पहला राष्ट्रपति है अमेरिका में जिसने दिवाली मनाई अभी। हाँ, दिवाली को हनुमान जी की पूजा होती है ना, उसने की वहां, पंडित जी को बुलाया उसने, और वो कहता भारत महान देश है क्योंकि महात्मा गांधी का देश है, वो महात्मा गांधी को गुरु मानता है अपना,
उसके घर में एक ही फोटो है, वो महात्मा गांधी की। वो कहता है इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। अब भारत सरकार ही तैयार नहीं है मदद लेने के लिए। तो ये अपने पास और एक रास्ता है। तो अपने पास चार रास्ते हैं, एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवल फोर्स है, छोटा सा देश है। हाँ, जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है, उतनी तो स्विट्जरलैंड पूरे देश में नहीं। मैं तो मजाक में कभी कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी, माफ करना ये कहने के लिए, इकट्ठे होके पेशाब कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना पिद्दी सा देश है, 2 घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। पुलिस उनके पास है नहीं, आर्मी है नहीं, थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे। अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है, अफगानिस्तान का ध्यान है, वो आपका भी हाल हो सकता है। तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, एक मिनट नहीं लगा। तो अपने पास चार रास्ते हैं, पहले तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे, कानून से वो पैसा लाएंगे, क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है, तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे, और भविष्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे। पहला कानून बनाएंगे, पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो 258 लाख करोड़ आएगा। दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा, बहस नहीं करनी है अदालत। और तीसरा काम हमें क्या करना है, ये पैसे लाने हैं विदेशों से 258 लाख करोड़, तो इसमें 50 लाख करोड़ खर्च करना है तुरंत गांव के विकास के लिए। भारत के गांव में उद्योग नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, गांव में पैसा लगाना है। और हमने हिसाब निकाला 50 लाख करोड़ भारत के 6,38,365 गांवों में इन्वेस्ट करना है। कैसे, एक तो उद्योगों में 100 उद्योग हर गांव में हम लगा सकते हैं। कपास होती है 4 लाख गांव में, हर गांव में कपास होती है तो खादी बनाने का काम हो सकता है, सूत बना सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, खादी बन सकता है। 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। लगभग भारत के 4 लाख गांव में गन्ना होता है, जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं, चीनी तो नहीं बनवानी, गुड़ बनवाना है, और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार हैं, मिलता नहीं किसी को। आप पूछोगे क्यों, चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती। चीनी माने जहर, दुनिया को समझ में आ गया, डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के। चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं, आप आधा किलो खाना खाओ और 50 ग्राम चीनी खा लो पीछे से, 50 ग्राम तो छोड़ दो, एक चम्मच खा लो, आधा किलो खाने पर एक चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा, उसकी पूरी ऊर्जा एक चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती, चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों, उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो, ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जहर का पुलिंदा है। हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है, फालतू में क्यों दिमाग खराब करें, हम तो गुड़ बनवाएंगे। और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं, गन्ना पैदा करें बिना यूरिया बिना डीएपी, उस गन्ने से गुड़ बनाए, अभी ग्राहक तैयार हैं 150 रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया में। ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में, वो सब गुड़ चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश, वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं। चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं, गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो वो गुड़ मांग रहे हैं।
हम 4 लाख गांव में गुड़ बनवा सकते हैं, खुद भी खाएंगे दुनिया को खिलाएंगे, और इस काम में कम से कम 1.5-2 करोड़ किसानों को